ਟੁਡੇ ਵੀ ਆਰ ਗੋਨਾ ਰਿਐਕਟ ਟੂ ਅਨਦਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈਗਾ ਨਬੀ ਕੋ ਮੁਰਦਾ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੋ ਮਰ ਵਾਲੋ ਮਰ ਜਾਓ ਰਿਪਲਾਈ ਟੂ ਤਾਹਰ ਅਲ ਕਾਦਰੀ ਬਾਏ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਕਦੀ ਦੋ ਦੋਸਤ ਲੜ ਪੜੇ ਤੋ ਦੂਸਰਾ ਉਸਕੀ ਸਾਈਡ ਲੈਣੇ ਪਰ ਮੁਨਾਫਿਕ ਕਹਿ ਦਿਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਕਿਆ ਇਸਲਾਮ ਮੇਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੈ ਵਾਲਦੈਨ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਕੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਜੀ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਹਮੇਂ ਪਤਾ ਹੈ ਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਵਾਲਦੈਨ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੇ और जो मेरा कल एक क्लिप अपलोड हुआ है फिरका प्रस्तों को फिरका बाजों को समझाने का तरीका आप वो वीडियो देख लें तो आपको मैंने हिकमत सिखाई है कि किस तरीके से आपने बात पहुंचानी है बाकी ये दोस्तों की साइड लेने में जरा ये कुछ हो जाता है कोई ऐसा मसला नहीं है इसलिए कि आपके दोस्त कौन से मुसलमान है वो तो कलमा गो मुस्लिम है कलमा गो मुस्लिम को क्या पता यहां तो किसी के सामने सच बोल दे वो नाराज हो जाता है आपको सच्ची बात करने के लिए 10 दफा कहना पड़ता है माजरत के साथ सही है मुसलमान का ये एटीट्यूड होना चाहिए कि उसे कुरान और सुन्नत से हवाला देते हुए आपको माजरत करनी पड़े तो इसका मतलब है कि वो मुसलमान नहीं है हिंदू को आयत पेश करते हुए हमें नहीं कहना पड़ता माजरत के साथ हम कहते हैं हमारे कुरान में ये लिखा हुआ है कहते हैं ना किसी आप मुसलमान को कह सकते हैं मेरे कुरान में ये लिखा हुआ है क्या नबी तुम फरमा दो कि मैं इंसान होने में तुम्हारी तरह ही हूं मरतबे में नहीं स्पीशीज ओके का दरान डॉक्टर तैल कादरी साहब की एक वीडियो है जिसमें वो इतने जज्बाती हुए हैं बाकियों को तो छोड़ दें इतना पढ़ा लिखा बंदा वो कहते हैं नबी को मुर्दा कहने वालों मर जाओ तुम अगर वो इससे मुराद ये ले रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम आखिरत की जिंदगी में जिंदा नहीं है किसी का ये कीदा है तो ये तो किसी का भी नहीं है फिर वो किसको सुना रहे हैं दुनिया का हर मुसलमान कहता है कि नबी अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में आखिरत की जिंदगी के साथ जिंदा है जिसमें ना सांस है ना खाना पीना है ना टॉयलेट है और वो आखिरत की जन्नत की जिंदगी है जो इस दुनिया की जिंदगी से मुख्तलिफ है और आज भी अगर कब्र रसूल आप खोदेंगे तो नबी अलैहिस्सलाम आपको वहां नमाज पढ़ते हुए नजर नहीं आएंगे ये जो मुस्लिम शरीफ की हदीस है ना कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नमाज पढ़ते हुए देखा वो सारा मामला बरज़ख ही है वो तो मूसा अलैहिस्सलाम को बैतुल मक़दिस में भी देखा था फिजिकली नहीं आए हुए थे वो एक और दुनिया है वो वखरा जहां है वो है असल वखरा जहां बरज़ख अनसीन बैरियर जैसे फरिश्ते हमारे यहां मौजूद है हम देख नहीं सकते उनको और फरिश्तों को यहां होने के लिए फिजिकल जगह की भी जरूरत नहीं है मोमिन की कब्र जो है वो 70 हाथ दाएं बाएं आगे पीछे खुल जाती है ना मुस्लिम की हदीस है जरा ये सारे दरबार खोदे ना मुझे दिखाएं 70-70 हाथ खुली हुई है नहीं होंगी वो कहेंगे नहीं नहीं ए रूहानी तौर पर खुली होती है आए हो ना दार थले हो एक एक कबर मनु काट दो 70 गज दाएं बाएं अगे पीछे एक 70 गज ही कबर दिखा दोगे वो कबर ही खुद लंबी है लेकिन 70 हाथ सारी तरफ खुली हुई एक कबर दस दो अल्लाह के बंदो आज भी नहीं खोदी जा सकती वो धड़ाम से गिर पड़ेगी जब तक आप लेंटर ना डाले इतना लंबा अगर आप खोदेंगे किसी चीज को या तो है कि नीचे जाके 1 किलोमीटर जाके अंदर कोई तहखाना बनाए इतनी डेप्थ में आप बनाएंगे तो जमीन अपने वजन से ही गिर पड़ेगी बल्कि यहां तो हमारे तो छोटी मोटी कब्रों में लहद बनाई जाए अगर वो लहद ही गिर पड़ती है वो जो काबे की तरफ थोड़ा साइड पे करके निकाला जाता है एक संदूकचा सा उसे लहद कहते हैं फिर लाश को आगे करके तो यूं टिल्ट करके सुन्नत भी यही है दफनाने का तरीका ये जो बॉक्स वाली कब्रें ये सुन्नत नहीं है जायज है लेकिन हमारी जमीनों में चूंकि वो बॉक्स वाली कब्र ही खोदना आसान है वो लहद मुश्किल है लात गिर पड़ती है तो 70 हाथ कौन खोलेगा कहते नहीं ये आखिरत की जिंदगी है तो खुदा के लिए ये चीजें भी जो आप हमें लिख के भेज रहे होते हैं ये भी आखिरत के साथ रिलेटेड है आप इनको अपने उन दुनियावी मामलात में ना देख रहे हो तो नबी अलैहिस्सलाम आखिरत की जिंदगी के साथ है तो वो डॉक्टर तैल गाजी साहब कहते हैं मर जाओ मुर्दा कहने वालों कहते हैं क्यों वो कहते हैं कुरान में लिखा है कि जो शहीद है उसे मुर्दा मत कहो वो तो अल्लाह के हुजूर जिंदा है सरकार उस तरह का मुर्दा कौन सा मुसलमान नबी अलैहिस्सलाम को कहता है अच्छा अगर शहीद जिंदा है तो उसकी बेवा निकाह क्यों करती है हजरत जाफर तैयार शहीद हुए मूता के अंदर उनकी बीवी अस्मा बिनते उमैस के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक ने शादी कर ली और जब हजरत अबू बकर की डेथ हुई तो उनकी उसी औरत के साथ शादी कर ली हजरत अली ने अच्छा। इसीलिए अब्दुल्ला इब्ने जाफर और मोहम्मद बिन अबी बकर ये हजरत अली के हकीकी बेटे नहीं है लेकिन
हकीकी बेटों की तरह इनकी परवरिश की है मौला अली ने, और सैयदा जैनब का तो रिश्ता भी अब्दुल्ला बिन जाफर को दे दिया। शहीद जिंदा तो बेवा निकाह क्यों करती है? जिसका खावन जिंदा हो वो औरत अगर निकाह कहीं और कर ले, नहीं जी वो आखिरत की जिंदगी है, आए हो ना दाड़ थले हो। तो कादरी साहब से को पूछे, जो आप ये कह रहे हैं नबी को मुर्दा कहने वालों मर जाओ, ये किसको आप कह रहे हैं? उस समय का मुर्दा तो कोई भी नहीं मानता। और अगर आप मुतलकन इनकार कर रहे हैं मौत का, तो ये तो कुरान कह रहा है इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतुन, ए नबी तुम्हें भी मरना है, तुम्हारे मुखालफीन को भी मरना है। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिही रुसुल अफा इम्मात औ क़ुतिला, मुहम्मद तो नहीं मगर एक रसूल, अगर ये मर जाए या कत्ल हो जाए, और पाकिस्तान में तर्जमा हुआ होता है अगर ये विसाल फरमा जाए ये शहीद हो जाए। हालांकि विसाल और शहीद भी दोनों अरबी के लफ्ज हैं, कुरान ने नहीं इस्तेमाल किया ताकि आपका कीदा ना कहीं खराब हो जाए। जी विसाल है जी, वसल होया है, पर्दा फरमाया। और इससे बढ़कर हजरत अबू बकर का खुतबा चार जगह बुखारी में, कितने गुस्ताखाना अल्फाज हैं इनकी डॉक्ट्रिन में। अला मन कान याबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन कद मात, कान खोल कर सुन लो, अला ये होता है, बी अटेंटिव, जो कोई मोहम्मद की इबादत करता था जान ले के मोहम्मद मर चुके। अब डॉक्टर तालकादरी साहब तो कह रहे हैं मोहम्मद, कोई कहना मर चुके तुम मर जाओ, ये तो हजरत बकर को कह रहा है डॉक्टर तालकादरी साहब। और जो कोई अल्लाह की इबादत करता था वो जान ले कि अल्लाह जिंदा है, उसे कभी मौत नहीं आएगी। और फिर इस बात की दलील में यही आयात पढ़ी, सूरह अज़ुमर आयत नंबर 30, इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतुन, और सूरह आले इमरान आयत नंबर 144, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिही रुसुल अफा इम्मात औ क़ुतिला। बुखारी में तो इतना ही है, हाकिम में तो सूरतुल अंबिया की भी वो आयत पढ़ी जो अंबिया इकराम की मुतलकन मौत से मुतलिक थी, स्पेसिफिकली नबी इस्लाम के हवाले से। ओके सो इसकी आज एक वीडियो यार काफ़ी एक संजीदा टॉपिक सीगा, क्योंकि जिस तरह अली मिर्जा साहब न ये सब चीज़ा याद है ना, लग रहा है कि इन्होंने बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान है, बड़े सूझवान है, एंड इन्हों की कलैरिटी है, एक जिस हिसाब नाल गल करते हैं ना, मतलब इन्हों इन का पाथ पता है कि इन्होंने किधर जाना एंड किस लहजे नाल गल करनी है। एंड देखो जिदा आप इन्हों की एक वीडियो देखी जिद पता लगा कि ये रिटायर्ड ने, एक वधिया पद तो रिटायर्ड होए ने, एक वधिया ऑफिसर सीगे, तो उस तो बाद देखो इन्होंने आह जो लाइन चूज़ की है वो हूँ भी इन्हों बड़ा क्रिटिसिजम सहना पै रहा, बाकी जोड़े होर जो मौलानाज है जो कोई होर इस्लामिक प्रीचरस आ जोड़े मतलब कि इन्हों जोड़े मतलब जिन्हों की यह पोल खोल रहे हैं, तो वो लोग फिर उन्हों तो सह नहीं जाता, तो वह इदा दीज़ा करते हैं। वाह सही है यार, ये थोड़ा जा मतलब इंटरनल टॉपिक तुहाडा आ गया सीगा, लेकिन हाँ ये आई थिंक लोगों भी शायद पता होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ा ना कम्यूनिटीज़ के भी बहुत चल दियाँ हैं, साढ़े सिखा दे भी इदा के धड़े बने हुए हैं कि कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ कुछ कह रहे हैं। हूँ तो अमृतपाल सिंह का पता होना इधर है ना, भाई अमृतपाल सिंह का काफ़ी जने विरोध कर रहे हैं, काफ़ी जने उन्होंने हक के है। सो ये सब चीज़ा हिंदुइज़म भी चल रही हैं, ये अजकल हुण आ गया सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के करके ना आपां नूं मतलब बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाती है चीज़ा, आपां नूं डायरैक्टली पता लग जाती है कि किस थां ते किहड़े टाइम ते की हो रहा, उहदे करके जिहड़ा ये बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो जाती है। लेकिन हाँ सब बारे पता होना वो एक बहुत सही है। बहुत सारे लोग है यार जिहड़े मतलब कि इस्लाम नूं ना बड़ा एक गलत नज़रिए नाल देखते हैं, सोचते है, क्योंकि मीडिया न्यूज़ मीडिया उन्होंने इदा ही पोर्ट्रे किया होया, क्योंकि हुण जिहड़े लोग सवेरे तो शाम अपनी जॉब कर रहे हैं वह शाम नूं घर आ के टीवी ऑन करते हैं, टीवी चो देखते हैं कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, वो हो गया, मतलब जिहड़े न्यूज़ रूम स्टूडियो होंदे आ उही एक जंग दे मैदान बनाए पए होंदे आ, तां उहो जी सिचुएशन विच हुण बंदिआं नूं तां इही जो सुणगे है ना, फस्ट इंप्रैशन इज़ द लास्ट इंप्रैशन, तो हुण ना उन्हां कोल इन्ना टाइम है कि उस चीज़ की पुष्टि करन कि बई ये वाकई सही है गल कि नहीं, उन्होंने जो सुनिया उन्होंने दिमाग च बैठ गया, तो ये चीज़ होंदी है। लेकिन इस्लाम आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल रिलीजन एंड पीसफुल रिलीजन है, तो
ਬਾਕੀ ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਆ, ਪੀਸਫੁੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸੋਹਣੇ ਆ। ਪਾਠ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੌਜੀਕਲ ਗੱਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਰਾਮਾਇਣ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਥ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸਕਾਲਰ ਸੁਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਕਈ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੀ ਵੀ 'ਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਲਾਊਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਲਾਊਡ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜੋ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਅਲਾਊਡ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮਿੱਥ ਬਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਬਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਵਿਊਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਹੋਪਸ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਪੱਕਾ ਕਰਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।